जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। साबर मंत्र की उत्पत्ति हुई थी जब जो शिकारी थे, जो वनवासी थे, उन्होंने महादेव को बोला कि हे महादेव, ये जो संस्कृत के मंत्र हैं ये हमसे उच्चारण भी नहीं होते। तो महादेव ने बोला कि आप अपने विधान और अपने शब्द का जो आपके पास एक समूह है, जो भी भाषा आप प्रयोग करते हैं, उस भाषा से जो भी आप मंत्र बनाएंगे और जो विधान बनाएंगे उससे भी सिद्धियां प्राप्त होंगी। सिद्धियां दो प्रकार की थी, एक था देवताओं की प्राप्ति के लिए और दूसरा था जो सटकर्म थे उनकी सिद्धि के लिए। तो जब वनवासी साधना करवाते थे, बाद में क्या हुआ कि बहुत सारे साधक वर्ग आ गए और उन्होंने बहुत अभीष्ट वस्तुओं से भी साधना की और बहुत सारे देवताओं से बहुतों का संपर्क हुआ, यक्षिणियों से संपर्क हुआ, देव दानवों से संपर्क हुआ। जब इन लोगों से संपर्क हुआ तो बहुत सारी अभीष्ट वस्तुओं का वर्णन आता है जो भारतवर्ष में नहीं मिलते थे, ऐसे सामग्रियों का भी प्रयोग होता है तंत्र में, बहुत आश्चर्यजनक विषय। खैर, जिस विषय पर हम आ रहे हैं कि जो वनवासी थे वो बहुत कम सामग्री में साधना और सटकर्म करते थे, उसी में से एक विधान मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप में से हर एक व्यक्ति ने जो डिस्प्ले इमेज है इस वीडियो का, वो झाड़ कहीं ना कहीं देखा होगा। जो खेतों में घूमते हैं, जो थोड़ा मैदान में वॉक करते हैं, उनको पता है कि ये थोड़े बड़े दाने होते हैं। एक तो छोटा दाना होता है जो कि पूरे आपके कपड़ों में लग जाता है, ये उससे थोड़ा बड़ा दाना होता है और ये धतूरा जैसा ही दिखता है लेकिन धतूरे से बहुत छोटा ये दाना होता है। जो तांत्रिक भाषा में इसको कहते हैं साकाहुली, ठीक है, लेकिन आम भाषा में या फिर जो आयुर्वेद की भाषा में है इसको कहते हैं छोटा गोखरू। आप जब छोटा गोखरू किसी को बोलिएगा, गोखरू, तो वो आपको इस पेट तक ले जाएगा। अंग्रेजी में इसका नाम कॉमन कॉकलेबर है, ठीक है। तो आयुर्वेद में भी इसका बहुत सारा उपाय है, मतलब इसका बहुत सारा उपयोग होता है। आप बहुत जगह इसको पढ़िएगा कि छोटा गोखरू, घाघरा, संकाहुली, हाँ, अरिष्ट मेद्य, ऐसा ऐसा इसका नाम बोला जाता है। और ये करीब 4 इंच लंबा पेड़ होता है, ठीक है, और इसका बहुत उपचार में प्रयोग होता है। किसी को बुखार हो जाए, किसी को जहरीला जानवर काट ले, किसी का पित्त बढ़ जाए, हर चीज़ में सिर्फ इसको इसको रगड़ के इसका पेस्ट दिया जाता है, उसे ठीक हो जाता है। वशीकरण के लिए इसका जो विधान है वो थोड़ा अलग है, ठीक है। शनिवार की रात्रि में, ठीक है, मतलब रात्रि का मतलब ऐसा नहीं कि मध्य रात्रि में जाए, जब सूर्यास्त होने वाला हो उस समय पहुंच करके सावा मुट्ठी चावल, ठीक है, ले करके एक कपड़े में बांध करके जाएं और जहां पर इसका पेड़ है, अच्छा ये जो शहर के बीच में रहेगा ना वहां से निमंत्रण नहीं देना, ये ध्यान रखिएगा। जो जंगली एरिया जहां लोग नहीं जाते हो वहीं से वृक्ष का हम निमंत्रण करते हैं इस पौधे का। तो सावा मुट्ठी चावल किसी सफेद कपड़े में बांध लिया, साथ में धूप दीप मिठाई और मौली लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वहाँ जाकर के दीपक जलाएंगे, जैसे ही दीपक जलाएंगे जो भी शक्तियाँ उस वृक्ष उस पौधे के आसपास होंगी वो हट जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो ढीठ शक्तियाँ हैं वो भी ना जाएं, तो फिर धूप जलाते हैं। इसका दो प्रयोजन होता है, एक तो जो वृक्ष है उसको हम, जो पौधा है उसको हम दिखाते हैं धूप दीप, दूसरा जो भी अभीष्ट शक्तियाँ हैं उसके आसपास जो हमारे काम की नहीं है वो हट जाएं, इसके लिए भी धूप दीप दिखाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है कि आप मिठाई जो है नवेद उनको चढ़ाए, ठीक, और अंत में चावल उसकी जड़ पर रखें और एक मौली का धागा लेकर के जाए, उसको जो है उस पेड़ में लपेट दें और आप जिस भी भाषा में बोलते हैं उस भाषा में सिर्फ इतना बोल दें
कि मैं आपको न्योता दे रहा हूं, कल आपका जड़ में ले जाऊंगा। ठीक है, अब जो भी खेल होता है इसी जड़ पे होता है। क्या करना है उसके बाद आपको, दूसरे दिन सुबह सुबह उठिए, ठीक है, एकदम सुबह 12 बजे से पहले स्नान ध्यान कीजिए। ठीक है, जितना सामान लेके गए थे उतना सामान फिर से ले लीजिए, और इस जो मंत्र है उसका 111 बार जाप करेंगे। क्या मंत्र है? ओम साकाहुली वन में फूली, बैठी करे सिंगार, राजा मोहे प्रजा मोहे, सबने करे सिंगार, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फूरो मंत्र ईश्वरो आचा। ओम साकाहुली वन में फूली, बैठी करे सिंगार, राजा मोहे प्रजा मोहे, सबने करे सिंगार, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फूरो मंत्र ईश्वरो आचा। ओम साकाहुली वन में फूली, बैठ करे सिंगार, राजा मोहे प्रजा मोहे, सबने करे सिंगार, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फूरो मंत्र ईश्वर वाचा। देखो, राजा मोहे प्रजा मोहे जब आ जाए मंत्र में तो समझ जाना कि बंगाल की तरफ का मंत्र है। तो फिर से हमने उतना सारा सामग्री ले लिया और 111 बार बोल करके उस सामग्री को हमने जो है अभिमंत्रित कर लिया, इस मंत्र को बोल करके। फिर हम स्थान पर जाएंगे और फिर इन सामग्रियों को रख करके, ठीक है, 111 बार फिर से इसी मंत्र का जाप करेंगे और जो जड़ी बूटी है उसको उखाड़ लेंगे, और जो उसको मतलब जड़ जो है, जड़ सिर्फ उखाड़ लेंगे, अगर जड़ नहीं तो पूरा पौधा उखाड़ लीजिए, पौधा भी आप उखाड़ सकते हैं क्योंकि ये छोटा ही पौधा होता है। और घर ला करके फिर इस मंत्र का, इसको सामने रखे, फिर से वही प्रक्रिया अपनाएंगे। क्या करेंगे? पहले दीप जलाएंगे, फिर धूप जलाएंगे, है ना, फिर चावल इसके जड़ पे रखेंगे, फिर नवेद चढ़ाएंगे और फिर मौली इसमें बांधेंगे, ठीक है, और फिर 1100 बार इस मंत्र का जो आपको बताया उसका जाप करेंगे। ठीक है, फिर से एक नया धूप जलाएंगे और इसको चारों तरफ से इसकी परिक्रमा करेंगे। ठीक है, इतना करने से ये जो वृक्ष है वो, ये जो जड़ है वो सिद्ध हो जाता है। अगर आप पूरा पौधा ही उखाड़ करके ले आए हैं तो रखेंगे उसमें सिर्फ उसका जड़, ठीक है, और इतना कर लेंगे आप तो वो जड़ सिद्ध हो जाता है। फिर आपको किसी ऐसे स्थान पर जाना है जहां आपको लगता है कि आपसे विपरीत हो सकती है परिस्थिति, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस जड़ को अपने जेब में रख लेना और चले जाना है। जो भी विरोधी होंगे आपके आसपास सब शांत हो जाएंगे, कोई जो है आपका विरोध नहीं कर पाएगा, चाह करके भी आपका विरोध नहीं कर पाएगा। आज के लिए इतना ही। इस साधना को करें, बहुत आसान है, आपको बहुत लाभ होगा। भगवान भैरव आप सभी को असीम आकर्षण शक्ति दे, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश। देवराज सेव्यमान पावनाग्रि पंगजम् व्यालय यज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरम् कृपाकरम्।